सरप्राइज चेक करो जेब भाई, सब लोगों ने काफी दिनों का प्लान वगैरह कर रहे थे मिलने का। जेब भाई क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम यार, बड़ी ज्यादा खुशी हुई है आपसे मिलकर। यकीन करें यार, आप तो बड़े भाई के पापा जी माशाल्लाह जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज काफी दिनों के बाद सूरज की शक्ल देखने को मिली है 2024 में। तकरीबन आज दूसरी दफा सूरज देख रहा हूँ, लेकिन आज सही से निकला। पहली दफा जो ना वो हल्का फुल्का इधर धुंध के अंदर थोड़ा सा सूरज आया था। यहाँ पे यार क्या हाल है आपके? ठीक हो? यहाँ पे बकरियां वगैरह चारी जा रही हैं, देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। अब्दुल मनान और सुनाओ फिर क्या हाल है? आप सुनाए क्या हाल है? यार सपोर्ट किया करो बंदे नूं, बड़ी मेहनत करन दे आ, बड़ी आवाज़ आंदी रहे रोला पड़ना होंगे बड़ा, तो गलां लोगों को सुननिया पैन दियां, तो मेहनत करता पा, तो लाइक सब्सक्राइब करया करो, लाजमी कमेंट लाजमी करया करो। मैं जो ना घर के अंदर इंट्रो करता हूँ, छत के ऊपर फुल रोला डालता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, इनके घर आवाज आती है, मुझे आज बताया इसने। वरना पहले मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी आवाज इतनी लाउड होती है यार, इसलिए जरा थोड़ा सा परहेज करेंगे आज के बाद कि सलाम जो ना थोड़ी सी स्लो ले करे, अस्सलाम वालेकुम। इतना भी स्लो नहीं, मतलब थोड़ा सा तेज करेंगे। मैं जा रहा हूँ आप लोगों को बता दूंगा, आज सूर्य मामा के जो कल के खून के टेस्ट करवाए हैं वो लेने जा रहा हूँ, और शुगर मेरा लगाएंगे। और हाँ, हम लोगों ने पता करना आईफोन 11 प्रो के बारे में और आईफोन 12 प्रो मैक्स के बारे में, मतलब प्राइस वगैरह पता करनी है, उनकी प्राइस वगैरह क्या है, तो आप लोगों को जाके मालूम बात करते हैं वहाँ से। ठीक है मनान साहब, हमें जाने दे फिर, इजाजत दे, क्योंकि हमने वापस भी आना, जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि मामा डरती हैं आपको पता है। मैं अपने पार्टनर को स्माइल को लेकर सीधा यहाँ पे आ चुका है रियाज चाय वाले के पास, यहाँ पे चाय वगैरह पीने लगे हैं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए मैं चाय की चस्की लगा लेते हैं, उसके बाद जाके टेस्ट वगैरह लेंगे। तो टेस्ट वगैरह लेने के बाद जाके मोबाइल के रेट वगैरह पता करते हैं, जो भी मामला है। अभी अभी सियालपुर पहुंचा हूँ मैं। चाय और बिस्कुट मारा आ गया, बिस्कुट हम लोगों ने खा ली है, चाय की चस्की वगैरह लग रही है, अभी चाय वगैरह पीते हैं। इस्माइल साहब क्या हाल है आपके? फिर बड़े सोने लग रहे हो आज, पप्पू बच्चे लग रहे हो इस्माइल साहब। ए हन्नो है, कमेंट्स में आप लोग बताएं इस्माइल आज प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लेकिन इस्माइल आज काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी हम लोग आ चुके हैं घंटे घर के पास, और ये वाली शॉप है, मोबाइल के अंदर जाके ना अंदर पता करते हैं, जो भी रेट वगैरह आप लोगों को मालूमात मिल जाएगी अगर लेना हो आप लोगों ने तो। भाई जान आप पहचान लो, ये टिकटॉक के ऊपर काफी ज्यादा फेमस थे, अभी नहीं है, अभी नहीं है। इधर आप लोग चेक कर सकते हैं, काफी तादाद में मोबाइल वगैरह पड़े हुए हैं, जिस चीज की हम लोगों ने मालूमात लेनी है वो ले लेते हैं। भाई जी आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 12 वो कितने का मतलब इस वक्त चल रहा है? सिंपल 12 चाहिए आपको जी, मतलब नॉन बीटीए जे भी नहीं होना चाहिए, 12 सिंपल मिल जाएगा आपको 1,20,000। 1,20,000 का ये आईफोन 11 12 पड़े हुए हैं? ये 12 का, ये 1,00,000 का, ये 1,00,000 का पूरे। और बैटरी हेल्थ क्या है इसकी? 90+। और ये जेबी वगैरह होता है? नहीं अनलॉक, ये फैक्ट्री अनलॉक है। आईफोन 11 प्रो नॉन बीटीए वो नहीं पड़ा, वैसे वो कितने का मिल जाएगा नॉन बीटीए लेना हो तो? तकरीबन 70-75। आईफोन 11 प्रो 75,000 नॉन बीटीए, जेबी क्या बात अनलॉक में यार, ये तो बड़ा सस्ता है, वो ले लो। तो आप लोगों के पास नहीं है फिलहाल, मंगवा लेंगे, वो मंगवा के दे सकते हैं। कितने का होगा फाइनल? वो 75,000 आईफोन 11 प्रो, चेक करवा सकते हैं अगर है पड़ा हुआ इस वक्त, किसी से मंगवा के बस सस्ता वैसे ही नहीं को, वो उसका फिर वो बैटरी वगैरह चेंज हो गई या कुछ मालूम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जनरल हेल्थ में, और उसकी बैटरी हेल्थ कितनी होगी? 80+ में होगा, 80+। चले ओके हो गया। और आईफोन 11 12 प्रो? 12 प्रो नहीं पड़ा हुआ, वैसे वो उसकी क्या प्राइस हो रही है इस वक्त? 12 प्रो 120 का, 25 का, 30 का, कनेक्शन पे डिपेंड करता है, वो मतलब ज्यादा महंगा। आईफोन 11 प्रो मिल सकता है हमें सस्ता, 80+ बैटरी होगी। चले गुड हो गया, सबसे बेस्ट है यार ये पकड़े साथ से, हेल्प अपनी मारा करे, क्योंकि ये नीचे गिर जाए तो ये देख जान छूट गई जिससे व्लॉगिंग हो रही है। यार आप लोगों को रेट वगैरह चेक कर ली, मैं तो हैरान हो गया, आईफोन 11 प्रो इतना सस्ता कैसे है? मैं तो पता वगैरह किया है, लेकिन वो तो महंगे काफी ज्यादा था, लेकिन चलो देख लेते हैं जो भी मालूमात वगैरह हमने ले ली है। आईफोन 11 प्रो 70 चलो 80 का लगा लो सीधा सीधा, क्योंकि उसका कवर वगैरह भी चेंज होता है ना, 80 का सही हो गया भाई। ये आपका ड्रेस वगैरह क्या है यहाँ पे? ये हमारा शॉप है घंटाघर चौक में, तो फैल मीट के साथ बिल्कुल 6। चले ओके हो गया जी। जो जो भाई ये सियालकोट से ब्लॉग वगैरह देख रहे हैं आप लोग, आके यहाँ पे विजिट करें, आप लोग क्वालिटी चेक कर लें, काफी ज्यादा मोबाइल जो आपको चाहिए ना मतलब वो मंगवा के भी दे सकते हैं, जो नहीं पड़ा हुआ अच्छी प्राइस में मिलेंगे। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, ये वाली प्राइस में आपको मोबाइल आईफोन 11 प्रो नहीं मिल सकता पूरे सियालकोट के अंदर, मैं पता करके आया हूँ 2-3, लेकिन ये सबसे बेस्ट प्राइस इन्होंने बताई है मुझे। मैं ना कलर वगैरह पूछ रहा था, ब्लैक और ग्रीन पड़ा हुआ है इस वक्त भाई? ग्रीन कलर पड़ा हुआ
और ये कौन कौन सी मेमोरी में है इसे भी बता दें। 64 जीबी ये दोनों 64 जीबी में। 64 जीबी में अगर 128 लें तो वो इसमें 128 जीबी नहीं आता, इसमें 256 जीबी आता है। 256 जीबी वो कितने का मिल जाएगा? वो आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये उसके प्राइस। ज़्यादा है पर ज़्यादातर 64 जीबी ही चलता है, 64 जीबी। चले हो गया, गुड हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया यार। यार आप लोगों को मालूम ले ली है, अभी देखते हैं डिसाइड करते हैं जब भी लेना है अभी मोबाइल यहाँ से लेना, अगला ब्लॉग हमारा जब भी होगा ना मोबाइल का यहाँ से ही होगा। आपने प्लीज़ इनकी वीडियो को लाइक करना है, ये शेयर मोबाइल इन्होंने काफ़ी तारीफ की है लेकिन हम तारीफ करने में बिल्कुल कम नहीं है। बस बस बहुत भाई को यार बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में। सो कीप वाचिंग माय ब्रदर वीडियोस एंड कीप सपोर्टिंग हिम। थैंक्स, लव यू। थैंक यू बहुत भाई, लव यू यार। सर चैनल का नाम मेरे कॉलेज फूड एंड ब्लॉग्स है। चैनल का नाम कॉलेज फूड ब्लॉग्स है। सो कीप सपोर्टिंग माय ब्रदर। ओके हो गया, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू। बड़ा यार जबरदस्त वीडियो बन गया आपके पास आ गए तो बहुत शुक्रिया यार, मेहरबानी। ये दुकान की भाई लुक है, आप लोग चेक कर लें। मालूमात वगैरह हम लोगों ने सारी ले ली है दुकान से, जो भी मोबाइल के रेट वगैरह आप लोगों को भी पता चल गए होंगे। मैं यार बहुत ज्यादा हैरान हुआ हूँ, आईफोन 11 प्रो कितनी कम प्राइस है, बहुत हैरान वाली बात है। ये पता नहीं है उन्होंने बोला गारंटी में होगा, वाटर पैक होगा, कोई मसला नहीं ऐसा होगा। तो अभी जाके मामा के जो टेस्ट वगैरह लेनी है ना वो लेते हैं, लेने के बाद जाके थोड़ी देर बैठते हैं, अभी के पास चाय वगैरह पीते हैं। क्यों स्माइल सब गुड हो गया, 100% डन हो गया। चलें जी लेट्स गो। चुगताई लैब हम लोग आ चुके हैं, यहाँ से टेस्ट वगैरह लेते हैं। टेस्ट वगैरह लेके ना जाके जेबी के पास बैठते हैं, क्योंकि अंदर इन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी, मैंने कहा बाहर से शॉट वगैरह बना लेते हैं। टेस्ट वगैरह हमने ले लिए हैं, हैं जी टेस्ट वगैरह ओके हो गए हैं। अभी चलते हैं जाके थोड़ी देर बैठते हैं जेबी के पास, वहाँ पे चोर मेरा लगाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं या कोई खाते हैं जो भी खिलाएगा मुंडा। सरप्राइज चेक करो जेब भाई, हम लोग ना काफी दिनों का प्लान वगैरह कर रहे थे मिलने का। जेब भाई क्या हाल है, असलाम वालेकुम। यार बड़ी ज्यादा खुशी हुई है आपसे मिलकर, यकीन करें यार आप तो बड़े हमल भाई हैं, आप उनको गोला मारो बुढ़िया ने बनाओ। अच्छा यार आपके भी व्लॉग देखे हैं मैंने, ये सारे बंदे ये भी व्लॉग केक वगैरह आप जो कट कर शुगर मेरा देखा आप लोगों ने, आपका सारा सारे डेली व्लॉग देखते हैं आप लोग, क्या चेक कर सकते हैं। बड़े यार जबरदस्त व्लॉग वगैरह बनाते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं आपके व्लॉग देख के। मेरा दिल कांप रहा है इस वक्त, कहा नहीं था क्या फीलिंग है, किधर जाना जो बाली करने जा रहे हो यार? वेलो ही अगले दिन तो आईफोन वाला ब्लॉग देखया, मैं मिनी प्लस ले आके अपने भाई पास, वो ब्लॉग देखना आज मिल गया थाना, बड़ी खुशी हुई आज है भाई। लव यू दे भाई, आग तार को इंशाल्लाह ही प्लान बनाने हैं, तार मेरा हां मैं टाइम देना था आई है शुरू की जगह में को 2-3 महीने होए ने, लेकिन कॉन्फिडेंस आता आता ले आके आ रहे हो भाई, वो उधर आई हुआ टाइम से जाया करेंगे जी, जरा कम टाइम आए यार, बड़ा कसम ना अच्छे बंदे हो यार, बहुत दिल खुशी हुई भाई मिल गए। ओके सर जी अल्लाह हाफिज़। वैसे आंदे जा को तुम्हारी खिदमत करते भाई, किसी ने टाइम करना साढ़े ना इंशाल्लाह, तुम बैग शोर में लाने भाई के पापा जी माशाल्लाह जी, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो? लव यू माशाल्लाह, बड़े प्यारे हो जी भाई, कदे लै दिल गड्डी च बैग प्यारे हो, बाकी तुम बहुत प्यारे हो माशाल्लाह, अल्लाह तुम सेहत दवे जी। की होया जी? आए 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 आए, क्या फीलिंग है यार, आप अपने भाई की फीलिंग दिल की किसी को समझ नहीं सकते है। हम लोग ना काफी दिनों से प्लान वगैरह कर रहे थे जेब भाई से मिलने जाते हैं, लेकिन जेब भाई ने जो मिला ना हमारे साथ, ऐसे लगा जैसे हमारा अपना कोई भाई नहीं होता। मेरे माइंड में था यार मैं शायद आकड़ वगैरह हो सकती है बंदे के अंदर, लेकिन नहीं, बड़ी मेहनत भी, बहुत ही प्यार से बंदा मिला यार, मैं यकीन नहीं आप लोग करेंगे। आपका भाई भी अगर फेमस हो गया इंशाल्लाह एक दिन करे अल्लाह कामयाब करे, आपका भाई भी बिल्कुल इसी तरह प्रोटोकॉल देगा आप लोगों को, जो जो मुझसे मिलने आएंगे फेमस होने के बाद इंशाल्लाह। आप जेब भाई आपके लिए यार कसम अल्लाह की आपने दिल खुश कर दिया जेब भाई। ना जेबी के घर के बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी तक आप हमारे चेहरों के ऊपर एक्साइटेड चेक कर सकते हो हम लोग कितने ज्यादा हैं, बहुत ही खुशी में ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। मैंने पिछले दिनों ना 2-3 लड़कों का कहा है हम जेब भाई से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने हमारा मजाक बनाया,
अब ये उन्हें वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे मिल के आए उन्हें। जेब भाई फिर से आपको मैं कहना चाहता हूँ यार, लव यू जेब भाई, आप बहुत ही यार वो बंदे मतलब कैसे ना, आपके अंदर आकड़ नहीं थी बिल्कुल भी, आपके अबू जान के अंदर भी नहीं थी, आपके बड़े प्यार से मिले यार, ऐसे फैमिली का बंदा होता है बड़ा यार, आपसे दिल खुश हुआ मिलकर। स्माइल साहब बुलाओ यार, भीषण बात मारो तो लिखवाइयो। ये जो आगे छोटा सा क्लिप है ना, ये जेबी लोगों के घर जाकर बैठ के शोर में लगाया था, ये आप लोग इंजॉय करें। वीडियो अपलोड कर दूं, कर दो, चले काम पे, चले काम पे। कौन सी गाड़ी पे? ये गाड़ी पे चलते हैं आज फॉर्च्यूनर पे। फॉर्च्यूनर निकालो, 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 शेरे लाल निकालो, बैठो। बहुत बैठे बहुत यहाँ पे कैसे बैठे बहुत बैठो। शेरे वीडियो को अपलोड कर दे, कर दे, कर दे, कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hours later. वहाँ पे तकरीबन डेढ़ दो घंटे बैठे हैं जेबी के पास, और वो कनक का तोड़ा हमने रखा था, नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो भी हम लोगों ने घर लेके जाना चाहते हुए भाई फ्रूट को देना है। नंगो नंगो सर, तुम्हें नंगो। अभी हम लोग खाने आए हैं जी फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह। मैंने लगवाए दही भल्ले, स्माइल ने लगवाई है फ्रूट चाट। यहाँ पे बैठ के वो खाते हैं, खाने के बाद निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा हो गई है। लेकिन आज फिर भी ठंड जरा कम है, क्योंकि सुबह की धूप निकल आई थी ना, धूप की वजह से ठंड आज कम है। ऐसा ही स्माइल साहब जेबी को हम कह कह रहे हैं, हम जा रहे हैं, जेबी को हमने बोला घर के लिए देखा, लेकिन अभी कुछ नहीं खाना पीना, लेकिन पहले हमारा प्रोग्राम था जेबी के साथ जाके ना फ्रूट चाट वगैरह खाते हैं, लेकिन अभी यही खाने लगे हम लोग, खा लेते हैं, खाने के बाद घर निकलते हैं। जाते हुए लेके जानी है हम लोगों ने मामा के लिए ब्रेड वगैरह, क्योंकि सुबह जाना लाहौर मामा को चेकअप करवाने के लिए, उसके लिए ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि नाश्ता जल्दी से सुबह से घर निकल जाएंगे। स्माइल साहब को करते हैं जी अलविदा। स्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, लव यू हो गया, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह कल परसों जब भी मिलेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह गुड हो गया। अभी मैं भी निकलता हूँ घर के लिए, आप लोगों से सीधा घर में जाके ब्लॉग को एंडिंग वगैरह करते हैं। ये था जो तोड़ा वगैरह लिया है वहाँ से, और ये लेने के बाद सीधा हम लोग अभी घर के लिए रवाना हो गया, आप लोगों से सीधा जाके घर मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा ठंड के अंदर आपका भाई आया, ये देखो यार हाथ वगैरह देखो फुल लालम लाल फ्रीज हो गए हैं। अभी अभी घर पहुंचा हूँ, वो ठंड के साथ बुरी हालत है, बहुत ज्यादा ठंड थी रस्ते के अंदर, बाइक के ऊपर तो आजकल बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इस ब्लॉग को हम लोग एंडिंग वगैरह करने लगे, उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, जेब भाई लव यू यार, आपके अंदर बहुत ही ज्यादा अखलाक है, आप इतने बड़े माशाल्लाह यूट्यूबर हो, आपके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर है, एक चैनल के ऊपर 3-3.5 लाख है और एक के ऊपर 2 लाख सब्सक्राइबर है, बहुत ही यार आप ना अच्छे इंसान लगे हो, बड़ा दिल को खुशी हुई, बड़ी दिल को खुशी हुई यार आपके साथ मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जो जेब भाई का थंबनेल देख के आए हैं ब्लॉग वगैरह देखने, उन सबको मैं लव यू वगैरह कहना चाहता हूँ, और जेब भाई आपके साथ तो दिल से यकीन करें मोहब्बत हो गई है। जिस जिस बंदे ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब लोगों को दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज।